नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आज रमजान मुबारक का आखिरी दिन है। 30 रोजे पूरे होने के बाद कल ईद उल फितर की नमाज शाही ईदगाह घोघर सहित शहर के विभिन्न मस्जिदों में पढ़ाई जाएगी। ईद के त्योहार को लेकर शहर काजी ने कहा कि ईद का त्योहार भाईचारे का त्योहार है और सभी धर्म के लोग भाईचारे एवं अमन के साथ त्योहार को मनाए। शहर काजी ने कहा कि 2 साल के बाद पहली बार यह मौका मिला है जब ईद के त्योहार में सभी लोग एक होकर त्योहार को मना पाएंगे। यह खुशियों एवं भाईचारे का त्योहार है। जिस तरह से रीवा शहर की परंपरा रही है कि सभी धर्म के लोग ईद के त्योहार को भाईचारे के साथ मनाते हैं, उसी तरह से परंपरा को कायम रखें और एक दूसरे को गले लगाकर ईद का त्योहार मनाएं। आपको बता दें कि रीवा शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज पढ़ाई जाती है। शहर काजी ने कहा कि शाही ईदगाह में सुबह 8 बजे नमाज अदा होगी, जिसके साथ अन्य स्थानों पर भी नमाज पढ़ाई जाएगी, जिसमें लोगों से समय का ख्याल रखने की अपील की गई है। ये कल ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी, किस तरीके से व्यवस्था की गई है, कितने बजे से क्या कैसी चीज़ें हैं, किस तरह नई भी बनाई गई है, कुछ चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपने मुल्क में रहने वाले तमाम वासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 30 रमज़ान है और कल इंशाल्लाह पूरे मुल्क में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। रीवा में भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं ईदगाह घोघर रीवा में। जैसा कि मालूम है कि तकरीबन पिछले 2 सालों से जमात के साथ और भीड़ भाड़ के साथ कहीं भी नमाज जमात से नहीं हो रही है। इस बार 2 साल के बाद लोगों को मौका मिल रहा है कि वो सभी लोग एक साथ मिलजुल करके ईदगाह में नमाज अदा करेंगे। तो कल सुबह ईदगाह में सुबह 8 बजे नमाज अदा की जाएगी। रिवर फ्रंट की वजह से ईदगाह में जो निर्माण का काम चल रहा था, तकरीबन वो नमाज के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और अभी नया जो मेंबर है वो भी तकरीबन कम्प्लीट ही हो चुका है। थोड़ा सा काम बाकी है, इंशाल्लाह जल्द वो भी पूरा हो जाएगा। ईद के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। सारे मुसलमान भाई ईद उल फितर का त्यौहार जो है वो बड़ी ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद सारे लोग अपने घरों से लोगों को सदक़े फितर अदा करते हुए, गरीबों को कुछ ना कुछ अपने हाथों से सदका करते हुए देते हुए ईदगाह की तरफ पैदल जाते हैं, नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल करके ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे। अपने अपने घरों में एक दूसरे के यहाँ जा करके सेवैयाँ वगैरह खाएंगे। सभी लोग मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई मिलकर एक साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं।